हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमर क्लास आपणकर आरंभ हो जाइछि। जो एएनएम पिला मानकर क्लास चालतला ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, जो क्लास आपणकर 4 चाहिँ हेसला, तार एबे आपण 5 क्लासटा आपण मान पई नेके आछु, जोटा कि आपण मानक इम्पोर्टेंट रहइबो आगामी जो आपण अपकमिंग जति पोस्ट आसे ता पई कि इम्पोर्टेंट रहइबो। तो देखंथु आपणकर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा ता पूर्वर आपण मानक रिजल्ट रो जो टेंशन रहुची पिला मानक पई कि सेटा आपणकर आसीबो। व्यस्त वेट करिया पड़िबो, टिके समय धैर्य धरिया पड़िबो, आ आपण निश्चिंत आसीबो। तो एबे मु आपणकर क्लास पिला मानकर रिक्वेस्ट पई कि आरंभ कर सरची। तो आपण मानक पई कि क्लासटा रहुची ह्यूमन एंड बॉडी हाइजीन क्लास 5, आ 50 क्वेश्चन अच्छी तापे डिस्कसन करें। ऑलरेडी आम एक क्वेश्चन उपर डिस्कसन कर सकते, तथापि आप रिविजन भाया रोक ता सहित नुआ नुआ क्वेश्चन आपण मन पाई क्लास रे। क्वेश्चन नंबर 1, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी। द हार्मोन सिक्रेटेड पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जो हार्मोन सिक्रेट हुए कौन को हार्मोन होता है? LH, FSH, वैसोप्रेसिन, डीटा हूँ ग्रोथ हार्मोन। तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन। जो ये क्वेश्चन आंसर है मोर एटा आपणकर ऑप्शन भूल डी ऑप्शन हो जाइला ग्रोथ हार्मोन, जोटा मुझे कहीदी यहाँ आपणकर कौन हम वैसोप्रेसिन हम। तो हार्मोन सिक्रेट हुए पोस्टेरियर पिट्यूटरी ना वैसोप्रेसिन। जदि आम देखा पिट्यूटरी आपण मानकर गोटे गोटे छोटिया ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहुए, जोटा आपणकर हेड रे आपणकर थाए मास्टर ग्लैंड। आज जदि पचारे जीव आप पिट्यूटरी ग्लैंड वेट अराउंड तार ग्लैंड रो केते ग्राम, पिट्यूटरी ग्लैंड टा केते ग्राम रो होइताय, तो आपण मानकर करेक्ट आंसर हो 0.5 ग्राम। एटा भी आपण माने मन रखतेबे, नोट मध्ये कर देबे। एटा ऑलरेडी आपणकर डिस्कशन कर देछि पिट्यूटरी को आपण मास्टर ग्लैंड करंती कहंती। आउ आउ एटा आपणकर गोटे सिंब मंजी परी होइताय, जोटार एडार 1 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर हो जीव वैसोप्रेसिन, जोटा आपणक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 2, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस इज। ऑप्शन ए थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो करेक्ट आंसर है जो आपमनकर ऑप्शन नंबर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, आपण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। हाइपोथैलेमस आपण मन कौन से हाइपोथैलेमस गोटे ग्लैंड जोटे आपणकर हंगर जितेबाला आम भोक लगी थाए आपको देखे थे आउ आपणकर थिंकिंग ए सब आपणकर हाइपोथैलेमस रो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गन व्हिच रिसीव इनफॉरमेशन एंड जेनरेट द इम्पल्सेस इज कॉल्ड। ऑर्गन जो रिसीव करे इनफॉरमेशन को ताको कोन कोन इफेक्टर, डेंड्राइट, रिसेप्टर ना इंटरन्यूरॉन। करेक्ट आंसर आपण मानक जो ऑप्शन नंबर सी रिसेप्टर, जोटा आपणकर रिसीव करथे जेनेट इम्पल्स इज कॉल्ड रिसेप्टर, एटा आपण करेक्ट आंसर है जो 3 नंबरटा। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ द ब्रेन इन द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज अबाउट। जो आपणकर टोटल बॉडी अच्छी सेतरे आपणकर ब्रेन रो वेट केते परसेंट होइथाय, 2%, 3%, 4%, 5%। तो करेक्ट आंसर आपण मानक है जो ऑप्शन नंबर ए 2% आपण मानकर करेक्ट आंसर है जो। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ द सेल दैट मॉनिटर्स द स्टेप ऑफ द सेल डिवीजन। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो आर आपण मन करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, जोटा आपणकर सेंट्रोसोम आपणकर करेक्ट आंसर है जो पार्ट ऑफ द सेल दैट मॉनिटर्स द स्टेप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड आपणकर एटा सेंट्रोसोम हो। एटा भी आपण माने नोट कर नबे, एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मन पे रहइबो। तो ऑलरेडी आपण मानक चारोटी क्लास जो सरी ह्यूमन एंड बॉडी हाइजीन रो ऊपर आपण माने जाय देखि परबे, ता सहित तो अलग टॉपिक रो आपण मानकर मध्य सरी किछि टॉपिक रो आपण मानक सरी जाइछि। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ द इंट्रासेलुलर कनेक्शन थ्रू व्हिच मॉलिक्यूल्स मूव इजीली टू। डेसोमोसोम्स ना गैप जंक्शन ना टाइट जंक्शन ना आयन चैनल्स। तो करेक्ट आंसर है जो आपण ओटा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी गैप जंक्शन, जोटा आपण करेक्ट आंसर हम। टाइप ऑफ इंटरसेलुलर कनेक्शन थ्रू व्हिच मॉलिक्यूल्स मूव इजीली ना गैप जंक्शन आपण एटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ द जायंट मॉलिक्यूल ऑफ जेनी क्रोमाटिन डीएन
आरएन। तो करेक्ट आंसर आपण मानक एटा हबो कोन ईच क्रोमोसोम मेड अफ द जियांट मॉलिक्यूल्स एटा ऑप्शन नंबर सी हे जीव आपण डीएनए डीरोक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए विषय आपण मानक कहितली डीएनए रो जो जेनेटिक कोड अछि सेटा को आपण मानक की आविष्कार करथिले वाटसन क्रिक जहां को नोबेल पुरस्कार मिलथिला 1953। क्वेश्चन नंबर 8 द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स इन द एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम इज कौन हम डिसेंफानोल सेरोबेलम मेडुला ऑब्लोगाटा ऑप्शन डी सेरोब्रम। तो एनालाइजिंग हेल्प ऑफ प्रॉब्लम को जे करते हेल्प करते सेटा करेक्ट आंसर है जो 8 नंबर आपण मानकर सेरोब्रम जोटा आपण करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एटा भी आपण माने नोट कर एनालाइजिंग हबो सेरोब्रम। क्वेश्चन नंबर 9 द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज कॉल्ड माइलिन डोरामेटर आर्चोनेट मेम्ब्रेन ऑप्शन डी पियामेटर। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी डोरामेटर तार करेक्ट आंसर हम जब इनर मेम्ब्रेन पचार ऑप्शन नंबर डी आप पियामेटर हम आउटर पचारे डोरा इनर पचारे पियामेटर तो यहाँ भी आपने मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हावर्सियन कैनाल इज प्रेजेंट इन हावर्सियन कैनालटा कौथे प्रेजेंट था आर्टेरी एंड वेन ओस्टियोप्लास्ट एंड एरियोलर टिश्यू ऑप्शन सी नर्व एंड लिम्फ विसल्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है जो हार्वेस्टियन जो अच्छी आपर केनाल से हम ऑल ऑफ द अबव ये समस्त मध्य आपर प्रेजेंट था यहाँ भी आपने नोट करने ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी डिस्कशन करी तथापि आउ थे आपकी रिविजन कि आप हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज बोन इनामेल कार्टिलेज टेंडन। तो करेक्ट आंसर कौन हो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन हम इनामेल यहाँ कौन था दातर माड़ी के आम इनामेल कह जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बोन बोन रे जो आपन को लार्जेस्ट बोन पचरा जीव ताले आपन को फीमर हबो स्मॉलेस्ट इज योर स्टेप्स जोटा आपन को इयर रे अछि स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलार बोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलार बोन आपन जो पचरा जीव ताले करेक्ट आंसर आपन मान को कोन हो कोलार बोन जदि पचार जाए आपर करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर डी क्लाविकल जोटा आपण करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 डेलटॉइड रिड्स ऑफ ह्यूमरस इज मीट फॉर आर्टिकुलेशन अटैचमेंट ऑफ मस्कल्स ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डेलटॉइड रिड्स ऑफ ह्यूमरस इज मीट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मस्कल्स जोटा आप ऑप्शन नंबर बी आपण करेक्ट आंसर रहिबो। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ एटा आपण इजी क्वेश्चन एटा मी ऑलरेडी आपण डिस्कशन करिछि ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड आपणकर करेक्ट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपणकर करेक्ट आंसर हिजो। क्वेश्चन नंबर 15 द फंक्शन ऑफ रॉक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ऑप्शन सी फैटी एसिड सिंथेसिस ऑप्शन डी हार्मोन। तो करेक्ट आंसर आपण कौन ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सिंथेसिस द रॉक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एटा भी आपण मानक इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपण मानक पाई कि। क्वेश्चन नंबर 16 द फंक्शन ऑफ लाइसोजोम इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन सिंथेसिस किलिंग द बैक्टीरिया फैटी एसिड सिंथेसिस। करेक्ट आंसर आपण कौन ऑप्शन नंबर किलिंग द बैक्टीरिया आउ लाइसोजोम को आपण मान कौन सुइसाइडल बैग मध्य कहते आत्मघाती थली मध्य कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्यूब शेप्ड सेल आर प्रेजेंट इन व्हिच टिश्यू क्यूब शेप्ड सेल प्रेजेंट कोई टिश्यू रे थाए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम ऑप्शन सी सिंपल कल्मोनार एपिथेलियम सिलिएटेड कल्मोनार एपिथेलियम। तो करेक्ट आंसर आपण मान कौन हो करेक्ट आंसर आपण मानक कौन हम यहाँ
करेक्ट आंसर आपण मन खाइज ऑप्शन नंबर बी जोटा सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम जार तार करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन कौन थे ऑप्शन नंबर डी यूरिनरी ब्लैडर रे आपण मन कर ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट था। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ PDF ଆର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆକୁ ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ 3001 ପୋଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେ ପୋଷ୍ଟର କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ, ତ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେନି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିବାର ତ ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନର୍ଭ ସେଲ୍, ଇୟର୍, ସ୍କିନ୍, ଲିଭର। ତ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍କିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିନ୍ର ଷ୍ଟଡିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ସ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍, ରେଟିକୁଲାର୍ ଫାଇବର୍, ନର୍ଭ ଫାଇବର୍। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଫାଇବର୍ସ ଯେଉଁଟା ହେବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ସ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଫାଇବର୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଫାଇବର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ ନା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ହୋଇଥାଏ, ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଟିକୁଲାର୍ ଟିସୁରେ ହୋଇଥାଏ, ନା ଟେଣ୍ଡନ୍ସରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ନା ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଯଦି କୁହେ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର୍ ସେ ହୁଏ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 22 ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟିସୁ, ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇବର୍ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେଉଁ ଟିସୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାଏ, ଏରିଓଲାର ଟିସୁରେ ଥାଏ, ନା ଆଡିପୋଜ୍ ଟିସୁରେ ଥାଏ, ନା ରେକ୍ଟିଲୋର ଟିସୁ ଥାଏ, ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏରିଓଲାର ଟିସୁରେ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ଦ ହୁଇଚ୍ ଟିସୁ, ଫ୍ୟାଟ୍ସଟା କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁରେ ହୋଇଥାଏ, ନା ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁରେ ହୋଇଥାଏ, ନା ଏରିଓଲାର ଟିସୁରେ ହୋଇଥାଏ, ନା ଆଡିପୋଜ୍ ଟିସୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟିସୁ, ତ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଡିପୋଜ୍ ଟିସୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 କାର୍ଡିଆକ୍ ମସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ସ, ହାର୍ଟ, ଲିଭର୍, ବ୍ରେନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ହାର୍ଟ, ଆଉ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି, ଯେଉଁକୁ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ କହନ୍ତି କାର୍ଡିଓଲୋଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ସିଲିଏଟେଡ୍ କଲମୋନାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍, ସିଲିଏଟେଡ୍ କଲମୋନାର ଯେଉଁ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ସିଲିଏଟର କର୍ମର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରାକି, ଲିଭର୍, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍, ପାନକ୍ରିଆସ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଟ୍ରାକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ହୁଇଚ୍ ଟିସୁ ପ୍ଲେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ବଡି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେକାନିକାଲ୍, କେମିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ, ହୁଇଚ୍ ଟିସୁ ପ୍ଲେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ନେଇଥାଏ, କ'ଣ କରିଥାଏ, ଡିଫେନ୍ସ କରିଥାଏ, ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବଡି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍, କେମିକାଲ୍, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ମସ୍କୁଲାର
ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ଟ୍ୱିନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଏ ଦ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓଭମ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଓଭମ୍ ଦ ଜାଇଗୋଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ନରିସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ଦ ଜେନିସ୍ ଦ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦ ୟଲ୍କ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଓଭମ୍ ଦ ଜାଇଗୋଟ୍ ଗେଟ୍ସ ନରିସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦ ୟଲ୍କ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 29 ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେନାଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ହେରିଡିଟ୍ରି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବେବି ଇଜ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଓଭୁଲେସନ୍ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ମେଚୁରେସନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ 30 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ 23 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 280 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 48 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ହେବ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 23 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 23 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 32 ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଆର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ହେ ନଟ୍ ନେଭର୍ ଦ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ଅପସନ୍ ବି ୟୁଜୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ଅପସନ୍ ସି ଅଲୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ଅଫ୍ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ଅଲୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅର୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ମିଟୋସିସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅପସନ୍ ସି କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମିଟୋସିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମିଟୋସିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଟୋସିସ୍। ଆଉ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି ମିଟୋସିସ୍ଟା ଆମ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଏ ତ କ୍ୟାନ୍ସରିୟସ୍ ସେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ମିଟୋସିସ୍ ଯଦି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରିୟସ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ଦ ଟର୍ମ ଜେନି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡଟା ୱାର୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜେନି ଆସିଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ୱାର୍ଡ ଜେନସ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଜେନସ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ରେସ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ବି ବାର୍ଥ ଅପସନ୍ ସି କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ତ ଜେନିର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ଅଛି ଜେନସ୍ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣ ରେସ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜେନେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜେନେଟିକ୍ସ ଅଛି ତା'ର ଫାଦର୍ କିଏ ଗୋଲ୍ସ ବାଏ ଡ୍ୟୁଟଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରେଗର୍ ଜୋହନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଉନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଗ୍ରେଗର୍ ଜୋହନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ଡିରକ୍ସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିଏନ୍ଏ କଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ହେଇଯିବ ଡିଏ ଡିରକ୍ସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ୱାଟସନ୍ କ୍ରିକ୍ ଯାହାକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା 1953। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37
who told that heredity of any individual in his own native constitute kie kahitile heredity of any individual in his own native constitute to option a woodworth option b watson option c william james option d e v tichner aaj apanankar kahitile to correct answer apan mana kon hichibo kie kahitile option a woodworth apanankar correct answer hichibo क्वेश्चन नंबर 38 बाय द एज ऑफ 6 द ब्रेन रिचेस जेतेबेले आपनको बयस 6 वर्ष हेते द ब्रेन रिचेस करथे केते परसेंट आपन रिचेस करथे ऑप्शन ए 90% ऑफ इट्स फुल साइज ऑप्शन बी 100% ऑफ फुल साइज ऑप्शन बी ऑप्शन सी 20% ऑफ फुल साइज ऑप्शन डी 50% ऑफ फुल साइज तो करेक्ट आंसर आपन मन कहि जो ऑप्शन नंबर ए 90% ऑफ इट्स फुल साइज आपनकर करेक्ट आंसर रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 ग्रोथ इन हाइट इज यूजुअली कंप्लीटेड बाय द एज ग्रोथ केते वर्ष जे आपण मन को ग्रोथ बढी थाए 30 10 20 15 तो करेक्ट आंसर आपण मन होय छ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 30 आपण कर एज क्वेश्चन नंबर 40 ईच गैमेट कंटेंस केतोटी इस गैमेट केतोटी क्रोमोजोम कंटेंस करथे 24 क्रोमोजोम 26 क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम 3 क्रोमोजोम तो ऑप्शन डी आपण कर करेक्ट आंसर हे जो 3 क्रोमोजोम्स क्वेश्चन नंबर 41 थायरॉइड ओवर सिक्रेशन लीड्स टू थायरॉइड जेते बेले आपण को ओवर सिक्रेशन करिथे सेते बेले आपण को को डिजीज होइथे मैक्सेडोमा ग्रेव डिजीज टिटानी कॉलर्ड कोइत्री तो करेक्ट आंसर हो आप ऑप्शन नंबर ग्रेव डिजीज आउ आपणकर गोइत्री गोइत्री डिजीज आप जानते थाए गोइत्री डिजीज है आप अभाव रही है आयोडीन अभाव आपणकर गोइत्री डिजीज क्वेश्चन नंबर 42 डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन एडीएच थायरोक्सिन तो ये आप जानते हैं इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन डायबिटीज है रोगी मान कौन इंसुलिन दिया था डायबिटीज रोगी मान को क्वेश्चन नंबर 43 एडीएच एक्शन ग्लोमोक्रुलिया लूप ऑफ हेनली पीसीटी डीसीटी तो करेक्ट आंसर एडीएच एक्शन ऑप्शन नंबर डी डीसीटी एटा आप करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 44 क्लासिटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉइड हार्मोन पाराथायरॉइड हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन पैनक्रियाटिक हार्मोन तो करेक्ट आंसर आरो हे जीव करेक्ट आंसर क्लासिटोसिन प्रोड्यूसिंग ऑप्शन नंबर ए थायरॉइड हार्मोन आरो करेक्ट आंसर हे जीव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स आर ए हो जीव स्टेरॉइड्स ऑप्शन बी पॉलीपेप्टाइड्स ऑप्शन डी ग्लाइकोलिपिड्स ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट तो करेक्ट आंसर है जो एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन से ऑप्शन नंबर ए स्टेरॉइड्स आपनकर है जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 सेल ड्रिंकिंग इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग आर आल्सो नोन एज कोन को जे फागोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस एक्सोक्यूटोसिस ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग इज आल्सो नोन एज कौन है जो इटा कौन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिनोसाइटोसिस इटा भी आपण मन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हबो आको भी आपण माने नोट कर परिबे जहा भी क्वेश्चन डिस्कशन होची ताको नोट करंतु जेंति आपणकर नेक्स्ट इक्वल रिक्वायरमेंट जदि आसे तापाई हेल्पफुल रहइबो क्वेश्चन नंबर 47 द सार नोड इज ऑफन डिस्क्राइब एज सार नोड ता आपनकर सार फुलफॉर्म होछ कोन सिनो एट्रियो जोटा अछि नोड ताको कोठे आपनकर लागि थाय एटा ऑप्शन ए पेसमेकर ऑप्शन बी जो नॉइज मेकर ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नॉन तो करेक्ट आंसर आपन मन कोन हिजबो ऑप्शन नंबर ए आपणकर करेक्ट आंसर हिजो पेसमेकर सानोड क्वेश्चन नंबर 48 डैश इज यूनिवर्सल डोनर ओ ए वी ए बी
तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल आस्पेक्टर या भितर आप क्वेश्चन देखा मिलता है जदि पचार जाए यूनिवर्सल डोनर तो करेक्ट आंसर आप एक्सपेक्टर पचार ए भी आप करेक्ट आंसर हम ब्लड ग्रुप को किए आविष्कार करते क्लैनलैंड टेनियर यहाँ भी आप मन रखिए क्वेश्चन नंबर 14 द लाइफ स्पैन ऑफ द एरिथ्रोसाइट इन द सर्कुलेशन इज अबाउट एटा एरिथ्रोसाइट माने मैं कही साइंटिफिक नेम क्या आरबीसी साइंटिफिक नेम इथ रेड ब्लड सेल साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट आउ डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट आपणकर तो एरिथ्रोसाइट आपणकर करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए 120 डेज आपणकर करेक्ट आंसर हो लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज नेक्स्ट क्वेश्चन फेलर ऑफ द हार्ट वॉल ई ओपन फुली इज एटा भी आपन नुवा क्वेश्चन था एटा में डिस्कशन करनत ऑप्शन ए स्टेनोसिस ऑप्शन सी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नॉन तो फेलर ऑफ द हार्ट वॉल टू ओपन फुली इज ऑप्शन नंबर ए जीव स्टेनोसिस तो एटा आपन मान पई कि इंपोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थिला टॉप 50 क्वेश्चन जोटा कि आपणकर ह्यूमन एंड बॉडी एंड हाइजीन टॉपिक रुतला आउ नेक्स्ट आपणकर जो रिक्वायरमेंट हम से आपणकर ए क्वेश्चन मान देखा जीव आउ प्रिपरेशन करंतु हल्का मात्रा रे जो मान भी आपणकर एएनएम एग्जाम रे हेइनी जे मनाकर हेइनी तो सो माने आपण प्रिपरेशन करंतु जितबळे जॉब आसीबो ता पई कि एटा हेल्पफुल हबो ता सहित आर पीडीएफ आपण मानको टेलीग्राम चैनल मिल जिवो ता सहित व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य मिल जिवो एएनएम जो ग्रुप अछि ता दरे आपणको ए पीडीएफ टी मिल जिवो आ रहिला आपण मानको रिजल्ट को नै कि रिजल्ट आपणकर जो अछि जो माने भी देखुतिबे सते सते पन तांकर रिजल्ट आसि जिवो किछि व्यस्त नै किछि जो प्रॉब्लम रही छि से प्रॉब्लम भी आपणकर सॉर्ट आउट हे जिवो आ रिजल्ट आसि जिवो आउ रिजल्ट खूब जल्दी हारी भितर लगुच आसीज जेहेतु पीओर आपण को कौन सी अपडेट एवं आसुनी तो देखा जो आज मुझे भी चेक करुवा ओत्र पुलिस वेबसाइट मुझे आपंपाई डेली चेक करुच्ची तो से आपण मान रिजल्ट जिते आपणकर अपडेट आसे तो आपण मानक निश्चिंत दि जाए किसी असुविधा ना आ प्रिपेरेसन करूँ हाल्का मात्र जो मैंने न हो कि पढ़ा द्वारा आपण मान नलेज बढ़ क्या आपण मैंने यदि ये क्वेश्चन शेयर करेंगे तक मान कि हेल्प हम जो मैंने भी एएनएम कोर्स कर एएनएम पिला अच्छा बहुत तक मान भी हेल्प रो तो धन्यवाद थैंक यू।